पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को दबोचा है। क्राइम ब्रांच की टीम करीब दो दिन से इन तस्करों के पीछे लगी थी। इनके बकायदा ग्राहक बनकर डीलर की और जैसे ही तस्कर स्मैक की खेप लेकर आए तो इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस इनके पूरे नेटवर्क के बारे में पता कर रही है, जिससे तस्करों से जुड़े सभी आरोपितों तक पहुंचा जा सके। पुलिस मुख्य सप्लायर तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए आरोपितों के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट खंगाली जा रही है। CSP ऋषिकेश मीणा ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि मुरार इलाके में रहने वाले दो युवक स्मैक तस्करी कर रहे हैं। ये लोग दूसरे राज्यों में स्मैक तस्करों के संपर्क में हैं और शहर के एजेंटों को स्मैक सप्लाई करते हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच को पड़ताल में लगाया गया। टीम कई दिनों से इनके पीछे लगी हुई थी। दो दिन पहले सूचना मिली कि इनके पास स्मैक की खेप आ गई है और ये लोग इसे बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम लग गई है। ग्राहक बनकर ड्रील कराई गई। ड्रील होते ही गुरुवार रात को घेराबंदी कर आरोपितों को दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों का नाम कमल और धर्मवीर सिंह है। दोनों आरोपी दूसरे राज्य में किसी तस्कर के संपर्क में हैं। उससे स्मैक खरीदकर ग्वालियर में आकर बेचते हैं। पुलिस ने आरोपियों पर NDPC एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। ये क्राइम ब्रांच के जो टीम है उसने बहुत बढ़िया कार्रवाई आज ग्वालियर में की है। कल शाम को पिछले तीन दिन से क्राइम ब्रांच की टीम एक टास्क पे लगी हुई थी और बहुत अच्छे से मेटिकुलसली काम करते हुए उन लोगों ने एक दो आदमियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें जो भी आगे और पीछे के जितने भी लिंक हैं, तार हैं, उनको खंगाला जा रहा है।